नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। पुराने नोटों पर पाबंदी तो सिर्फ ट्रेलर है। बेईमानों की तहखानों से ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए अभी और भी सख्त इंतजाम होंगे। जी हां, पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। नोटों के लिए हर तरफ मारामारी मची है। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी पर कई बड़े ऐलान किए। हिंदुस्तान की जनता से सब कुछ ठीक करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा और बेईमानों को ललकारते हुए कहा, चाहे मुझे जिंदा जला दो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे देश, 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा। ईमानदार लोग, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए आइए, ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं, मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। हमें मालूम था मुझे क्या करना है। हमने जनधन अकाउंट खोले। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी पार्लियामेंट में, भाषण कैसे हुए थे आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या था, कहां जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बांग नोट लेंगे तो मोदी डर जगह रहे, मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डर पा। प्रधानमंत्री ने आज काले धन के कुबेरों को खुली चुनौती दी। हेराफेरी करने वालों को वार्निंग देते हुए मोदी ने कहा, सीधे सीधे अपने ब्लैक मनी को बैंक में जमा कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बचने वाला नहीं है। और अगर सरकार ने गड़बड़ी करते पकड़ा तो आजादी से लेकर अब तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। अब लोग मुझे समझ गए, इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है,
ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आंख खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हो सकता है आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा मामा भाई पिताजी जिनका स्वर्गवास कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह ना हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो भी दंड देना है दंड दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। और एक बात और कहता हूं, कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले, देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, और ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1,00,000 नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा, और कोई इसी काम में लगाऊंगा। इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है, क्या कुछ कुछ दाम में काला है, ये हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है, तो वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए बैंक के खाते खुले ऐसा नहीं, इस देश के 20 करोड़ लोगों को हमने रुपए कार्ड दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, और ये आज से 1 साल पहले किया हुआ है। उस डेबिट कार्ड से अगर उसके खाते में पैसे हैं वो बाजार से कोई भी चीज खरीद सकता है, उसकी व्यवस्था उसको उपलब्ध है भाई। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, जैसे हर पॉलिटिकल काम होता है वैसे ही पॉलिटिकल काम नहीं था। मैं धीरे 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 देश की आर्थिक तबीयत सुधारने के लिए अलग अलग दवाइयां दे रहा था, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा, मैं डोज धीरे धीरे बढ़ा रहा था, और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सर, मालूम है ना, आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। किसी को तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है, भाइयों बहनों, मैंने बुराइयों को निकट से देखा है, देशवासियों की तकलीफ समझता हूं, उनकी मुसीबत समझता हूं, लेकिन ये कष्ट सिर्फ 50 दिन के लिए है, 50 दिन के बाद हम सफाई में सफल हो गए, और एक बार सफाई हो जाती है ना तो छोटा मोटा मच्छर भी नहीं आता है मेरे घर, छोटा मोटा मच्छर। वेलकम बैक।
10 महीने से तैयारी हो रही थी, नए नोटों की छपाई हो रही थी, आरबीआई के रीजनल हेड्स के साथ गुपचुप मीटिंग चल रही थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुलासा किया कि जनधन योजना के तहत ही गरीबों के खाते खुलवाना भी नोटबंदी की तैयारी का ही एक हिस्सा था। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया, मनोहर जी वाला तो मैं नहीं कर सकता, दस महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया। इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गिर गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि नोटबंदी की वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, इसका उन्हें बखूबी एहसास है, लेकिन ये परेशानी सिर्फ 50 दिन रहने वाली है। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों को वैसे ही हिंदुस्तान दिखेगा, मिलेगा, जैसा कि वो हमेशा से देखना चाहते थे। मैंने लड़ाई ईमानदार लोगों के भरोसे शुरू की और ईमानदार लोगों की ताकत पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों का डूब रहा है, मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है, कल जो चवन्नी नहीं डालते थे आज वो नोटे बहाने आ रहे थे, वो गरीब विधवा मां मोदी का आशीर्वाद देती है कि बेटा, कभी बेटा या बहू देखते नहीं थे, कल आए थे 2.5 लाख बैंक में जमा कराने के लिए। उन गरीब विधवा माओं के आशीर्वाद देश की सफलता के यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे देशवासी, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत की बीमारी देश को तबाह कर रही हुई है। 800 मिलियन 65% 35 से कम उम्र वाले नौजवान, उनका भविष्य दांव पर लगा हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जिनको राजनीति करनी है करे, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं।